खबर छतरपुर से है, जहां भारतीय मजदूर संघ के बैनर तले स्वास्थ्य विभाग की ANM और जिला चिकित्सालय में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर पैदल रैली निकालकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बता दें, BMS जिला मंत्री भूपेश सिंह बुंदेला ने बताया कि जिला चिकित्सालय में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को 6 महीने से भुगतान न मिलने की समस्या को ज्ञापन उन्हें सौंपा गया था। इससे पहले भी यह मुद्दा उठाया गया था, लेकिन पहले जो है इतनी इस मुद्दे ने तोल नहीं पकड़ी थी। इसके बावजूद सिर्फ 2 महीने का भुगतान हुआ। मुद्दा उठाने के बावजूद भी भुगतान नहीं किया गया। एक बार फिर जो है 6 महीने का वेतन लंबित कर दिया गया। इसके साथ ही 15 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कर्मचारियों ने कहा कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती तो 7 सितंबर को उनके द्वारा आंदोलन किया जाएगा। आज भारतीय मजदूर संघ द्वारा 2 ज्ञापन दिए गए हैं, जिसमें ANM की समस्याओं के निराकरण के संबंध में है और दूसरा ज्ञापन स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री माननीय विश्वास सारंग जी के नाम दिया गया है, जिसमें स्वास्थ्य विभाग में आउटसोर्स कर्मचारी हैं जिनका लगभग 6 माह से वेतन लंबित है और उनके वेतन भुगतान कराने के संबंध में ज्ञापन दिया गया है। सर, समस्या ये है कि हम लोगों के जिला अस्पताल छतरपुर में जो आउटसोर्स है, इसमें लगभग 100 के ऊपर कर्मचारी काम करते हैं। इसमें से करीब 50 के आसपास जो है वो सफाई कर्मचारी हैं और शेष जो है उसमें विद्युत विभाग आता है, ऑक्सीजन विभाग आता है, पंप हाउस आता है, STP, फायर, ये विभाग हैं जो मुख्य रूप से 50 आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से संभाले जाते हैं। इनमें 24 घंटे की ड्यूटी लगती है, सभी लोग मन लगा के अपनी ड्यूटी करते हैं। कोरोना जैसी विकट परिस्थिति में भी ऑक्सीजन के लोगों ने बहुत मेहनत की।